देखो टावरो, आज पेपर था, कल परसों भी होगा। पहले सिलेबस जारी कर देते हैं, फिर पता नहीं कौन सा नशा करता है यार मेरा, हर एक पे वफा करता है। सिलेबस जारी कर देते हैं, उसमें लिख देते हैं साइकोलॉजी चौथा पोर्शन का मतलब 25 क्वेश्चन, और क्वेश्चन एक नहीं देते। जब बच्चे देखते हैं साइकोलॉजी भी, पहले आपने दिया, बच्चे ने मेहनत की, अगर आपने 2 घंटे भी डेली के दिए हैं तो इतने दिन में उसका कितना समय बर्बाद हुआ जब पर्सन ही नहीं देने थे आपको। चलो फिर भी कोई बात नहीं, अभी बच्चे जो है वो पेपर देने गए होंगे, आएंगे तब की देख लेंगे, कोई बात नहीं। और इस पर टाइम खराब न करते हुए मैं जल्दी जल्दी हिस्ट्री वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। इंडियन हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन था, वो गुरुजी बता देंगे। कंटिन्यू है इस मेरे पास जो पेपर है उसमें, कंटिन्यू छिन्तर के बाद में हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। बीच में इंडिया हिस्ट्री का एक आईने अकबरी सब जानते हो, एक वो दूरी राष्ट्र वो फ्रांस है, और एक और था कौन सा था, एक क्वेश्चन और था वो बता देंगे। छिन्तर के बाद कंटिन्यू मेरे वाले में जल्दी से बता देता हूँ इन क्वेश्चनों को, सब जानते हो, बाकी आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। मैं जल्दी से और बता देता हूँ, मीराबाई का मंदिर सबको पता है चित्तौड़ में, कपिल का से कपिल कोलाइत, जगदीश मंदिर उदयपुर, और द्वारिकाधीश मंदिर जो है वो राज सिंह के समय वाली कहानी सबको पती है। तो ये उदयपुर के राजसमंद के अंदर है, द्वारिकाधीश मंदिर और श्रीनाथ जी का मंदिर दोनों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही डी उत्तर हो जाएगा। तो वैसे इजी क्वेश्चन है, कोई एक दो क्वेश्चनों को छोड़ दे तो आपको हर गाइड में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर अध्यापक के करवाए में मिल जाएंगे, कोई टफ नहीं है। भैया मैं ये कहूँ कि ये हमारी किताब से है तो इसमें कहने का कोई औचित्य नहीं, कि नॉर्मल क्वेश्चन है, सब जगह मिल जाएंगे। गटियाला शिलालेख जो है वो बहुत फेमस है, कुकी के समय का है, और इसका जो उत्तर होगा वो होगा संस्कृत, यानी इसका उत्तर क्या लगा लो आप, संस्कृत सी।